कुंभ राशि, बड़ा भेद खुलेगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 5 अगस्त की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन किस तरह से जो कि बुरे हालातों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस दिन की इंपॉर्टेंट बातें कैसी रहेगी, आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज आपको हर रोज देखने को मिले। दोस्तों समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों हाल ही में हुई कोई दुर्घटना या फिर चोट आपको आत्म जागरूक या फिर कमजोर महसूस करा सकती है। खुद को नए सिरे से शुरुआत करने दें और किसी नए काम या फिर प्रशिक्षण के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धी भी दूर होगी। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है, इसलिए खास ख्याल रखेगा। मन के अनुसार जीवन के प्रति अपना रवैया बदले। आप अपने भौतिक दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश भी करेंगे। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और आप स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ पाएंगे। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होगी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने सभी काम समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आपके बॉस आपकी मेहनत पर भी गौर करेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को लाभ कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने के आसार है। पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। व्यस्त दिनचर्या के कारण आपको परिजनों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिल सकेगा। जीवन साथी के बर्ताव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके प्रिय आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिला जुला रहने के असर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। दोस्तों कामकाज के मोर्चे पर दिन आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। दफ्तर में आपकी लापरवाही आपके बॉस का मूड खराब कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर के प्रॉब्लम परेशानियों को दिमाग में रख कर दफ्तर में कार्य बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका मन संतुलित नहीं है, अगर चंचल हो रहा है, दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम परेशानियों ने घेरा है, तो उस दिन आप दफ्तर के लिए छुट्टी जरूर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब दिमाग आपका सही नहीं रहेगा तो आप दफ्तर में कार्य अच्छा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि बॉस आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। आपके लिए जल्द ही तरक्की के नए रास्ते खुल सकेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को कोई पुराना कानूनी मामला परेशान कर सकता है। आपका दिन व्यर्थ की भागदौड़ में जा सकता है। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आपको अपने बजट के अनुसार खर्च करने की सलाह दी जाती है। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ विवादित मुद्दों पर चर्चा करने से बचेगा, अन्यथा आपके बीच बड़ा झगड़ा हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको देर तक भूखा रहने से बचना होगा। जब भी आपको भूख लगे तुरंत कुछ थोड़ा ही क्यों ना हो थोड़ा खा ही लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह के बुरे हालात से आज आपको गुजरना पड़ सकता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जहां पर आप कार्य करते हैं या फिर जहां आप खुद का व्यवसाय चलाते हैं, छोटा मोटा कोई धंधा करते हैं, वहां पर आज आपको बुरे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। बुरे हालात यानी कि आज के दिन आपको किसी से डांट खानी पड़ सकती है या फिर कुछ पैसों का नुकसान होना हो सकता है, या फिर आज के दिन अगर आप कोई धंधा कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको उतना सेल्स देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे बुरे हालात आज आपके सामने आ सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, धन और खुशी दोनों आपके कार्ड में हैं। आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में जानते हैं, वह अपने लक्ष्य की तरफ अड़ी हैं। अपने कर्मों को देखें, क्योंकि वही आपकी नियति है। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। योजनाएं बदलती हैं, नए मौके पैदा होते हैं और परिस्थितियां जीवन में अप्रत्याशित मोड़ भी लेती हैं। अपने कार्यस्थल में लचीला रवैया अपनाएगा। आने वाली प्रेजेंटेशंस और बैठकों की तरफ खास ध्यान दीजिएगा। आप जो भी करें उसमें आनंद महसूस करें, यही आज का मंत्र है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, अपने करियर के बारे में कोई भी फैसला पूरी तरह से सोच समझ कर ही लीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो अंत में आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे बुरे का विचार जरूर कीजिएगा। आप पाएंगे कि व्यावसायिक क्षेत्र में सब कुछ आपके अनुसार ही चलेगा। आप मजबूत इरादे वाले व्यक्ति हैं और परेशानियों से नहीं घबराते, इसलिए आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। उनकी सलाह व मदद से आप अपनी ऊर्जा को पूरा प्रयोग कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, रूप कभी कभी वो काम कर जाता है जो शब्द नहीं कर पाते। आप एक नए हेयरकट के बारे में सोच सकते हैं। नए रिश्ते में किसी भी तरह की पहल करने से ना हिचकिचाए, चाहे प्यार का इजहार हो या फिर अंतरंगता। प्यार में सफलता और असफलता दोनों का सहयोग है, बस आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपनी जीवन शैली को बदलिएगा, इसे रोमांटिक रिश्ते पर एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। इसे अपने साथी के प्रति आकर्षण और अंतरंगता की वृद्धि में मदद मिलेगी। इश्क, प्यार और मोहब्बत के मामलों में दिन बेहद सुखद रहेगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप कुछ शांत दिखेंगे, परंतु अंदर से आप परेशान हैं। दिमागी तनाव ज्यादा रहेगा, इसलिए शांति के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताएं। आप जल्द ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।